सोचो अगर तुमको एक फोन कॉल आए और तुम्हें कहा जाए मेरा ये काम कर दो नहीं तो मैं तुम्हारा घर बॉम्ब से उड़ा दूंगा। नहीं मानोगे ना, तुम्हें लगेगा कि ये कोई प्रैंक कॉल है और तुम फिर काट दोगे। बट फिर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हुई कार किसी ने सच में उड़ा दी है, फटके फ्लावर हो जाएगी ना। क्यों? फिर वो शर्तें रखता जाए और तुम्हें वो पूरी करनी पड़े। ऐसी ही कुछ कहानी है धमाका की। अर्जुन पाठक एक प्राइम टाइम न्यूज एंकर है जिसे डिमोट करके आरजे बना दिया जाता है। उसके शो पे एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि मुंबई सीलिंग को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। अब कार्तिक आर्यन जो अर्जुन पाठक है वो इस थ्रेट को अपने बॉस को बताता है और उसकी बॉस जो है गिद्ध की मौसी टीआरपी डाइट पे रहने वाली औरत वो कार्तिक को तुरंत टीवी पे स्पॉट वापस देने का ऑफर देती है अगर अर्जुन इस टेररिस्ट से लाइव बात करके चैनल की टीआरपी को बढ़वा देता है। तो हम न्यूज रिपोर्ट नहीं करते, बेचते हैं, तुम बस हमारी रेटिंग्स ऊपर लाओ। मतलब बेसिकली जो काम छी न्यूज के सुधीर, इंसानों के फैंटा सुरेश चावन के खाज तक की अंजना रोज नेशनल टीवी पे करती है वही टास्क अर्जुन पाठक को दिया जाता है। अब फोन पे ये धमकी देने वाला बदले में पैसे नहीं मांगता है, वो चाहता है एक मंत्री से नेशनल टीवी पे माफी। अब वैसे परम बिकाऊ अर्जुन पाठक शुरू तो प्राइम टाइम शो के लालच में करता है पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसका वो जाग जाता है। अरे वो नहीं होता जो आपको घटिया काम करने से रोकता है, क्या कहते हैं उसको, अरे वो जो अर्णब को कभी नहीं जागता, जमीर जमीर जमीर, हाँ जमीर। फिर कितने धमाके होते हैं, कैसे इस टेररिस्ट को पकड़ा जाता है, कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है और इस पूरे ब्लैकमेल में क्यों उसको सिर्फ मंत्री से ही माफी चाहिए, ऐसा क्या हुआ कि एक अपॉलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्या उसे माफी मिलती है। नेटफ्लिक्स पे देखिए लगभग 1.5 घंटे की इस फिल्म धमाका में। सो फिल्म में है कार्तिक आर्यन एज अर्जुन पाठक, मृणाल ठाकुर एज सौम्या मेहरा पाठक अर्जुन वाइफ और एक ऑनेस्ट जर्नलिस्ट, अमृता सुभाष एज अंकिता मलस्कर अर्जुन बॉस, विकास कुमार एज ऑफिसर प्रवीण कामत। कार्तिक आर्यन पहली प्रेफरेंस नहीं थे इस फिल्म के और फिल्म पहले तापसी पन्नू के साथ बनाना चाहते थे डायरेक्टर राम आदवानी जो फीमेल एक्टर्स को लीड में रख के फिल्म्स बनाते हैं। अब नीरजा और सुष्मिता सेन स्टारर वेब सीरीज आर्या दोनों इन्होंने ही बनाई थी। तापसी सेड नो एंड नो मींस नो, याद है ना। कृति सेनन ने भी मना कर दिया था इस फिल्म को करने से। मैं सोच रही थी कि अब इतने सारे लोग मना कर चुके हैं, ये फिल्म है या फार्म लॉज। कार्तिक आर्यन एक बिकाऊ जर्नलिस्ट के रोल में बिल्कुल फिट नहीं होता है और मुझे ये नहीं समझ आता कि अगर अमीश के पास डेट्स हैं तो कार्तिक को क्यों लिया एक सेल आउट न्यूज एंकर के रोल में। हाँ मतलब मेथड एक्टर्स देश में न्यूज पढ़ रहे हैं और कार्तिक आर्यन से आप उनका काम करवा रहे हो। अमृता सुभाष जो गिद्ध की मौसी, गिरगिट की BFF और TRP की पुजारिन बनी है, मजेदार काम किया है अमृता ने। अमृता TRP और अपने प्रमोशन के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, कंगना से नीचे नहीं गिर पाएंगी पर हाँ काफी गिर सकती है। और अमृता ने मीडिया गिद्ध का ये रोल बढ़िया किया है, नो नॉनसेंस ऑन पॉइंट आज के जमाने की वैम्प। विकास कुमार एक अच्छे एक्टर हैं, एटलीस्ट आर्या में ही वॉज रियली गुड, पर इस फिल्म में उनका उतना ही रोल है जितना कंगना में कॉमन सेंस का। राम माधवानी और को राइटर पुनीत शर्मा ने एक अच्छी मूवी रीमेक करने के लिए चुनी थी। धमाका इज एन अनऑफिशियल रीमेक ऑफ द साउथ कोरियन मूवी द टेरर लाइव। इजी और ग्रिपिंग सेटअप था, एक न्यूज रूम, लालची मीडिया, थर्ड ग्रेड पॉलिटिशियंस और एक टेररिस्ट थ्रेट। पर बॉलीवुड की प्रॉब्लम ही है कि बीच में वाइफ, डिवोर्स और ऐसी चीजों को घुसा ही देना। राम माधवानी और पुनीत कहानी तो बढ़िया शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और ऐसे इंटरेस्ट भी बन जाता है, पर उसके बाद फिर मामला ना मीडियोकर सा है। देखो जैसे मैंने कहा कि सेटअप सही था, मीडिया को बहुत बिकाऊ कहना था, सरकार को निकम्मी, पर डायरेक्टर और राइटर थोड़ा सेफ खेल गए। मतलब पद्मश्री और नेशनल अवार्ड भी तो चाहिए ना आगे। अगर सरकार से कोई नाराज है और उसके पास मौका है कि रैंसम पे लेके किसी से माफी चाहता है तो वो एक मंत्री से क्यों मंगवाएगा माफी, सीधे प्रधानमंत्री से क्यों नहीं। मतलब फिक्शनल कहानी में तो प्राइम मिनिस्टर न्यूज पे आते या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखते, मतलब हमारा भी अरमान पूरा हो जाता और फिल्म में वजन भी बढ़ जाता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। जब न्यूज एंकर पे फोकस थे तो पहले कार्तिक को आरजे दिखाया ही क्यों, और रेडियो भरोसा ये कैसा नाम है यार। थर्ड ग्रेड ट्विस्ट और टर्न्स मूवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बॉस। धमाका का फर्स्ट हाफ इज इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग, बस कार्तिक आर्यन को देखते ही ऐसा लगता है कि अरे यार कास्टिंग बेटर हो सकती थी। राजकुमार राव मेरे हिसाब से परफेक्ट होते इस रोल के लिए। कार्तिक न्यूज एंकर कम छिछोरा ज्यादा लग रहा है। वेंसडे याद है आपको, नसीर साहब ने बॉम्ब लगाया था शहर में और लगा था कि सर रियली मींस बिजनेस, है ना। अनुपम खेर ने भी ब्लैकमेल को ऐसे बेहतरीन टैकल किया था रियलिस्टिकली। इस फिल्म में जो सीलिंग को उड़ाने की धमकी देता है वो बताता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि पुल बनाते समय उसके कुछ दोस्त मारे गए थे।
और सरकार ने ना उसके लिए माफी मांगी ना मुआवजा दिया, और अब उसे इसके लिए माफी चाहिए। लॉकडाउन के वक्त जब माइग्रेंट वर्कर्स पैदल चल के अपने घरों तक गए थे तो उनमें से कईयों की मौत हुई थी, पर सरकार ने कहा इसका उनके पास कोई डेटा है ही नहीं। फिल्म में इसी प्रेमिस को बना के दिखाने की कोशिश की थी, जो कि बढ़िया थॉट है, पर बाद में ना मूवी का बॉलीवुडीकरण हो जाता है। बॉलीवुड का पुरखा की तरफ से धमाका खो 3 धमाके। You're watching Bollywood.